काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पूछा है, मेजर और माइनर से पीजी का रिलेशन पूछा है। जैसे इन्होंने ये कहा है कि मैंने क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट मेजर रखे हैं, है ना, तो उसी सब्जेक्ट में जो मेजर रखा है सब्जेक्ट क्या उसी में पीजी करनी है, या फिर माइनर सब्जेक्ट है इसके लिए भी पीजी कर सकते हैं, कोई भी बंधन नहीं है। मेजर मेजर और माइनर का फर्क सिर्फ इसलिए है कि यहाँ पर वो सब्जेक्ट हर हालत में 3 साल पढ़ा होगा और गवर्नमेंट जॉब के लिए आप एलिजिबल मिनिमम 1 के लिए बन जाओ, इसलिए उसको मेजर बोलते हैं। माइनर अगर आपने 3 साल के लिए पढ़ा है तो वो आपको करना ही नहीं पड़ेगा, वो भी मेजर के बराबर हो गया, बिल्कुल बराबर, गवर्नमेंट जॉब के लिए उतने एलिजिबल, कोई फर्क नहीं है। ऐसे ही आपने पीजीटी के लिए, ये टीजीटी के लिए हो गया, पीजीटी के लिए एलिजिबल बनना है तो आप मेजर में अगर पीजी वो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है तो उसके लिए एलिजिबल हो गए, कोई लेना देना ही नहीं है कि वो मेजर है या माइनर है। माइनर में पीजी कर ली है तो उसमें एलिजिबल हो। इन्होंने क्या लिखा है कि जिस कॉलेज में एडमिशन ली है सम मैथ्स मेजर मिल रहा है और साइंस माइनर मिल रहा है। हाँ, मैथ साइंस हो गया, बिल्कुल ठीक है, तो ठीक रहेगा, बिल्कुल प्लीज़ ये क्लियर कर दीजिए कि मैथ्स मेजर रखना सी या फिर साइंस, नो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक ही है आपने 3 साल पढ़ा है, यस, और आप इंटरेस्टेड किस में हो, मैथ्स में हो, नेचुरली 2 साल उसमें लगाओगे पीजीटी के लिए एलिजिबल हो गए। माइनर साइंस की, साइंस में स्पेसिफिकेशन लेनी पड़ेगी, बायो की है, केमिस्ट्री की है, फिजिक्स की है, फिजिकल साइंस या लाइफ साइंस में फिर एलिजिबल हो जाओगे, है ना, तो उसके लिए आपको दूसरा पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस या लाइफ साइंस भी देना पड़ेगा। तो यहाँ बेटर आपके लिए क्या है, मैथ्स आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो ऐसे ही टीजीटी के लिए एलिजिबल है, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन मैथ में करते हो साथ में उसके लिए एलिजिबल हो गया, आपको दूसरा पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स या इसकी स्पेसिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। जबकि साइंस में अगर साइंस पढ़ा है तो टीजीटी के लिए एलिजिबल हो, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स में किया है तो आपको फिजिकल साइंस की पेडागोजी का एडिशनल देना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा पड़ गया आपको साइंस में, अगर आपने बनना है साइंस के लिए पीजीटी के लिए। अगर आप लाइफ साइंस के हैं तो आपको बायो में करनी पड़ेगी पीजी और उसके बाद बन जाओगे, इतनी बात है। सो इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है, इंडिपेंडेंट चल रहे हैं, उस लाइन में आपकी एलिजिबिलिटी बननी चाहिए। थैंक यू।